explain the lesson. We see the page number 132. Okay. Take a small earthen pot having a wide mouth. And we have to take the earthen pot. एक बड़ा सा earthen pot लेना है जिसका मुंह बहुत बड़ा खुला हुआ है. Okay. Take the pot with a rope and hang it as shown in the picture. And you have to hang the earthen pot and tie with the rope. आपको वो रोप से अर्थन पॉट को टाई करके अपने घर में हैंग करना है, लटकाना है. ओके. पॉर सम वाटर इन द पॉट एंड हैंग इट ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री और ऑन ए हुक आउटसाइड योर हाउस. और उसके अंदर पानी डालना है एंड आपके घर के बाहर उसको हैंग करना है. या तो ट्री है घर के आसपास तो ट्री के साइड पे हैंग करना है. पॉर वाटर इन इट एवरी डे और उसके अंदर हर रोज पानी डालना है. ऑब्जर्व विच बर्ड कम टू ड्रिंक वाटर और आपको देखना है कि विच बर्ड्स कम टू ड्रिंक द वाटर. नाउ लुक एट हियर, दिस आर द पिक्चर. हियर हैंग द अर्थन पॉट विद द रोप एंड बर्ड्स केम टू ड्रिंक द वाटर. ओके. नाउ वी सी द वन स्टोरी अबाउट द क्वीन. हम एक स्टोरी देखेंगे क्वीन के बारे में. ओके. इट इज द स्टोरी अबाउट द क्वीन गार्डन. क्वीन के गार्डन की स्टोरी है. द गार्डनर हैड बॉट मैंगोज फ्रॉम द किंग्स क्वींस गार्डन. वन टाइम द गार्डनर हु लुक आफ्टर द गार्डन. जो एक गार्डनर था, मालिक था, जो वो क्वीन के गार्डन का लुक आफ्टर करता था, वो बहुत सारी वो गार्डन के अंदर जो मैंगो उगी हुई थी उसको प्लक करके तोड़ के क्वीन के पास लेके आया. ओके. सो मैनी मैंगोज गुड. और वो देख के क्वीन बहुत ही खुश हो गई कि बहुत सारी मैंगो है. योर मैजिस्टी देयर वुड हैव बीन ट्रबल द अमाउंट ऑफ द बर्ड्स हैड नॉट ईटन देम. और जो है माली जो गार्डनर है वो बोलता है कि प्लीज ये जो मैंगो है वो बहुत ज़्यादा तो अच्छी हुई है लेकिन उसको मुझे बहुत देखभाल करना पड़ता है कि वो बर्ड्स उसको खा ना जाए, है ना. व्हाट डिड यू से द बर्ड हैव ईटन द मैंगोज. तो क्वीन हैज द स्कोल्डिंग ऑन द गार्डनर एंड से व्हाट डिड यू से. क्या बोल रहा है तू, ये मैंगो बर्ड्स खा जाते हैं. व्हाई डिड यू अलाउ द बर्ड्स इनटू द गार्डन. एंड क्वीन ने बोला कि ये बर्ड्स को आप गार्डन के अंदर अलाउ क्यों करते हो. प्लीज फॉरगिव मी, आई विल नॉट लेट एनी बर्ड कम इनटू द गार्डन. देन गार्डनर बेग टू द क्वीन. वो क्वीन से बोलता है कि प्लीज सॉरी, दिस टाइम मुझे माफ कर दो, अब नेक्स्ट टाइम से मैं एक भी बर्ड को गार्डन में आने दूंगा नहीं. फ्यू एवर मैंगोज देन लास्ट ईयर. और लास्ट ईयर से इस बार थोड़ी मैंगो कम हुई है. व्हाई डिड यू नॉट स्टॉप द बर्ड फ्रॉम एंटरिंग द गार्डन. अगेन क्वीन स्कोल्डिंग ऑन द गार्डनर एंड से व्हाई डिड यू अलाउ द बर्ड्स इन द गार्डन. राइट. ओके. आई स्टॉप देम योर मैजिस्टी. नाउ अगेन गार्डनर से अब से मैं नहीं करूंगा, उसको स्टॉप करूंगा, बर्ड्स को अलाउ नहीं करूंगा. आई डिड नॉट लेट अ सिंगल बर्ड एंटर. और मैं देखूंगा एक भी बर्ड गार्डन में ना आए. बट दिस ईयर द इंसेक्ट हैव ईटन द मैंगोज. नाउ व्हाट हैपेंड. गार्डनर ने इतना ध्यान रखा, एक भी बर्ड को गार्डन में एंटर होने नहीं देता था. पर दिस ईयर अब बर्ड्स की जगह इंसेक्ट आने लगे. इफ देयर हैड बीन बर्ड देन दे वुड हैव ईटन द इंसेक्ट. तो गार्डनर सोचने लगा कि अगर बर्ड्स आते तो वो इंसेक्ट को खा जाते. आपको पता है ना कि बर्ड्स इंसेक्ट खाते हैं, है ना, तो वो खा जाते. पर एक भी बर्ड नहीं है तो इंसेक्ट को कौन खाएगा. वी वुड नॉट हैव लॉस्ट सो मैनी मैंगोज. और अगर इंसेक्ट को बर्ड खाएगा नहीं तो मैंगोज बहुत सारी खराब हो जाएगी, है ना. तो ऑल द एनिमल्स आर डिपेंड ऑन द डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल इंसेक्ट. ओके. उसका खाना स्मॉल इंसेक्ट होता है ना. तो ये पूरा रोटेशन है. इंसेक्ट जो है वो सारे क्रॉप्स खाते हैं, बर्ड्स जो इंसेक्ट को खाते हैं, है ना. फिर बर्ड्स को जो बिग एनिमल्स होते हैं वो मार के खाते. तो वो पूरा साइकिल है, एक जन दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होके रहते हैं. ओके.
Lizard,
Now here again we have to match which animal has the different food. Okay students, now we have to write the animal's name, bird's name and the insect name. Okay, and here is the exercise 11. We have to classify. कैसे classify करना है? Animal that can walk, जो चल सकते हैं. तो कौन चल सकता है? Cow, buffalo, dog, horse, camel, elephant. Okay, animals that can fly, जो उड़ते हैं. Sparrow, pigeon, bulbul, parrot. Okay, animal that can crawl, जो crawl करते हैं. मतलब पेट के बल चलते हैं. Snake, python, earthworm, lizard. ओके, एंड दूसरा क्लासिफाई है एनिमल दैट यूज देयर बीक, खाना खाने के लिए बीक यूज करते हैं. पीकॉक, पैरोट, स्पैरो, डॉग, क्रो. एनिमल दैट यूज देयर माउथ, खाना खाने के लिए माउथ यूज करते हैं. तो बफेलो, काउ, कॉट, गॉट, हॉर्स, कैमल, ऑल आर द क्लासिफाइंग एनिमल्स. ओके, नाउ वी हैव टू गिव द डिफरेंस एनिमल्स एंड बर्ड्स. तो एनिमल हैज द फोर लेग एंड बर्ड्स हैज द टू लेग. एनिमल कैन नॉट फ्लाई, बर्ड कैन फ्लाई. ओके, इट डज नॉट हैव बीक, एनिमल को बीक नहीं है, बर्ड्स हैव द बीक. इट डज नॉट हैव विंग, एनिमल्स को विंग्स नहीं है और बर्ड्स को बीक है. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो दूसरा एक है, उसके अंदर आपको टिक मार्क करना है कि कौन सा एनिमल मुंह के बल खाता है, कौन सा एनिमल एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है एंड नंबर ऑफ लेग्स. तो यहाँ मैंने आपको किया है एक एग्जांपल, मैं आपको समझा देती. डॉग तो मुंह से खाता है, फिर वॉक करता है एंड उसको फोर लेग होते हैं. ओके, मैना, मैना को बीक होती है, फ्लाइंग करती है, टू लेग्स होता है. ओके, आई सेंड द पीडीएफ. ओके स्टूडेंट्स, इफ यू अंडरस्टैंड, बाय बाय.